आएगी पत्ती आपको ट्रक है क्या। डीएसपी साहब गश्त पर निकले थे लेकिन तभी उन्हें ये ऑटो दिख गया। लेकिन ऑटो में सवार लोगों की संख्या देख डीएसपी साहब ने ऑटो को रोक दिया। फिर क्या था, शुरू हुई ऑटो में सवार लोगों की गिनती। मतलब जिस ऑटो में चार लोगों को बैठना चाहिए उसमें इतनी सवारियां थी जिसे देख खुद डीएसपी साहब भी हैरान हो गए। अब डीएसपी साहब कहने लगे कि इसे ट्रक क्यों नहीं कहते हो, इसे ऑटो क्यों कह रहे हो। ट्रक है क्या, क्या बस चार सवारी की पासिंग है। कितने हो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह इक्कीस इक्कीस कई लोग भरे हुए हैं। चार की जगह कई तीन लोगों को बैठा सकते हो। कितने बैठे मजबूरी है, सही नहीं तो काय को बैठाती हो। मान लो झटका लगे वो आठ टेम्पो तो तीन पहिया की, तीन पहिया मतलब जानते हो लंगड़ी गाड़ी। बस फिर क्या था, ऑटो में जो ऊपर बैठे थे उन्हें तत्काल उतार लिया गया। अब शुरू हुई उन यात्रियों की परेशानी। वो पूछ रहे थे कि आखिर वो अब कैसे जाएं, लेकिन डीएसपी संतोष पटेल ने दरिया दिली दिखाई और सबको अपनी सरकारी गाड़ी में सवार किया और समझाते हुए उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने निकल पड़े। क्या करना है बताओ, अब वो को जा रहे हैं भाई साहब और क्या करें, कैसे जाओगे। चलो बैठो बैठो पीछे बैठो बैठ जा चलो बैठो पीछे आयो पीछे आयो चलो। एसी बंद कर ले चलो। ये बताओ कि जैसे तुम लोग ऊपर बैठे थे क्या ये सही था कि गलत है? इसमें नुकसान हो सकता कि नहीं हो सकता? नहीं सकता है। क्या हो सकता है, आवाज गिर पड़े तो आवाज गाड़ी के नीचे आओ तो आदमी खत्म हो गया सीधा। बताओ दस रुपया बचाने के चक्कर में खत्म होना सही है कि आराम से जाना? आराम से सही है। बताया जा रहा है कि ऑटो में सवार होकर ये लोग जंगल की तरफ जड़ी बूटी इकट्ठा करने जा रहे थे। आपको बता दें कि ग्वालियर के घाटी गांव में तैनात संतोष पटेल आए दिन सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें लोग भी काफी पसंद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एमबी तक।